डॉन देवक गुर्जर के परिजनों ने बाबूलाल समेत 10 से 12 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि देवा ने 8-10 गाड़ियां रावत भाटा प्लांट में किराए पर लगा रखी थी। अच्छी कमाई देख बाबूलाल उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। बाबूलाल और ये सब लोग हैं और कुछ अन्य लोग भी थे, 15-20 लोग थे। बाबूलाल के साथ क्या देवा जी को पार्टनर थे क्या? कोई पार्टनर ही नहीं था, दोस्ती सर पहले दोस्ती थी पहले। सर 8 दिन पहले तो हमारा आरकेपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी हमारे सेह के पास, सेह के सामने परसाराम ने उसना क्या नाम होता है सोपान ना, दोनों बंदे ने सेह के सामने देवाराम को धमकी ठोकी थी, मारने की धमकी दी थी। फिर भी सेह ने कुछ सुनाई नहीं की थी उसकी, बोल रहे हमारे को 5 लाख रुपए चाहिए, खुले आम मांग रहे हो तो। अरे जो उसमें बंदे है ना, एक बाबूलाल बंदे, उसके 2-3 मीटर के आगे भी केस लगे हुए हैं। पिछले 5 महीने से बाबूलाल देवा के संपर्क में था, जो देवा के साथ इंस्टाग्राम रील भी बनाता था। बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है और अभी परिजनों को बॉडी सुपुर्द करके दाह संस्कार के लिए भेजी जाएगी। अभी वहाँ गांव के बाहर कुछ लोग बैठे हैं, उनको समझाइश के लिए परिजनों को भेजा गया है और वहाँ से क्लियरेंस देते ही यहाँ से बॉडी रवाना कर देंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि देवा गुर्जर के परिजनों की ओर से केस दर्ज होने के बाद